बेचारे मर्द, बीवी कहती है बाहर में जाओ, तू दफ्तर चले जाते हैं, बॉस कहता है जहन्नम में जाओ, तो घर आ जाते हैं। मेरे लिए सुबह जल्दी उठना इतना ही मुश्किल है जितना कि पुरानी फिल्मों में गवाह को सही सलामत अदालत तक पहुंचाना। पाकिस्तानी फैमिलीज एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। बीमार एक बंदा होता है और खिचड़ी पूरा घर खाता है। एक पठान दूसरे पठान से, अरे यार मैंने सुना है कि 2022 तक दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरा पठान, अरे ऐसा नहीं होगा, मैंने काली वॉशिंग मशीन खरीदी है और उस पे 2024 तक की गारंटी है। सरदार जी के सर में बहुत दर्द था। सरदार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा कि वो उसे कोई अच्छी सी दवा दे। डॉक्टर ने कहा कि सरदार जी आपको इस वक्त सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है, मैं आपको सोने की कुछ गोलियां दे रहा हूँ, वो रात को अपनी बीवी को खिला देना। दुकानदार, अरे भाई क्यों परेशान हो? सरदार, देखना भाई मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा। दुकानदार, सर ये खराब मौसम की वजह से है। सरदार, अरे ये लो 500 रुपए और नया मौसम डाल दो। एक खातून एक मौलाना साहब के पास गई और बोली कि हजरत मैंने सुना है कि तकब्बुर बड़ा गुनाह है, मैं जब भी आईना देखती हूँ तो मुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा तकब्बुर आता है, मैं इस गुनाह से कैसे बचूं? तो मौलाना साहब बोले कि मैडम जिसे आप तकब्बुर समझ रही हैं वो असल में गलत फहमी है और गलत फहमी कोई गुनाह नहीं।